रहस्यमयी बैग। वो देखो रूम आंटी आ गई। मम्मी मम्मी आप इस बैग में क्या लाए हो? पूरे घर से लाई मैं कुछ चीजें मजेदार। एक खेल खेलने के लिए अब हो जाओ तैयार। खेल? अरे वाह आंटी, बड़ा मजा आएगा। आंटी जल्दी दिखाओ ना क्या क्या है खेलने के लिए। हाँ हाँ मम्मी जल्दी दिखाओ ना क्या लाए हो। रुको बच्चों, अगर ऐसे ही सब दिखा दिया तो क्या मजा। मतलब बच्चों बिना देखे बूझो तो जाने इस रहस्यमय बैग का रहस्य। बिना देखे वो कैसे आंटी? उन्हें अपने हाथों से छूकर या अपनी नाक से उसकी खुशबू को पहचानकर या फिर बिना देखे उसकी आवाज को सुनकर। कोशिश कर सकते हैं। तो करो अपनी आंखें बंद। अब एक एक करके इस बैग में हाथ डालो और एक चीज निकालो। सबसे पहले मैं। मुझे लगता है ये होगी एक गाड़ी। नहीं नहीं बंदर। गाड़ी? बंदर? मुझे तो नहीं लगता। हाँ इसे छूने से लग रहा है कि इसके दो पंख हैं। पंख है दो तो होगी एक चिड़िया। ये हवाई जहाज भी तो हो सकता है। बच्चों चलो अब अपनी आंखें खोलो और देखो इसमें क्या है। ये पक्का हवाई जहाज है। हाँ ये सच में हवाई जहाज है। हाँ बच्चों कितना मजा आएगा इसे उड़ाने में। मम्मी ये खेल बहुत मजेदार है। बच्चों तुम सभी ने अपने हाथों से छूकर और फिर आंखों से देखकर इस चीज का अंदाजा लगाया। अब अगली चीज की बारी। हाँ फिर से आंखें बंद। इसमें से छन छन की आवाज आ रही है। ये कोई झुनझुना है। और छूने से इसका आकार गोल भी लग रहा है। गोल? तो क्या ये गेंद है? पर गेंद में से ऐसी छन छन की आवाज क्यों आएगी? हाँ ये भी है। अरे हाँ ये ढपली हो सकती है। बच्चों अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। इस बार तुमने अपने कानों से आवाज को ध्यान से सुनकर और हाथों से छूकर अंदाजा लगाया। ढपली वाले ढपली बजा। अगली चीज मैं निकालूंगी। जो भी है इसमें इसकी खुशबू बढ़िया है। मेरी नाक मुझे बता रही है कि कुछ खाने का सामान है। शायद कोई गोल आकार वाला फल है। छूने में थोड़ा खुरदुरा है। सूंघने में लगता है जैसे ये नींबू हो, लेकिन नींबू इतना बड़ा भी नहीं होता। नींबू जैसा लेकिन नींबू से बड़ा आकार। सोचने दो मुझे, मौसम्बी या संतरा। बच्चों हमें किसी भी चीज के स्वाद का कैसे पता चलता है? खाकर। हाँ जब हम किसी भी चीज को जीभ पर रखते हैं तब हमें उसका स्वाद पता लगता है। आंटी हमारी मदद करिए ना इसे चखने में। हाँ जरूर। जीभ पर रखते ही पता चल गया ये संतरा है, खट्टा मीठा। आज बहुत मजा आया। और हाँ आज हमने अपने हाथों से छूकर, आंखों से देखकर, नाक से सूंघकर, कानों से सुनकर और जीभ से चखकर चीजों का अंदाजा भी लगाया। बिल्कुल सही स्माइली, हमारे ये पांच अंग हमारी बहुत मदद करते हैं। ये हमारी आसपास की चीजों की समझ बनाने में हमारी मदद करते हैं और हाँ यहाँ तक कि खतरे से दूर रहने में भी हमारी मदद करते हैं। जैसे आंखों से देखकर सावधानी से करते हैं हम सड़क पार, और कानों से सुनकर पता लग जाए कि कोई खतरा तो नहीं है आसपास। हाँ और जीभ बताए हमें क्या है स्वाद और क्या है खराब। और चीजों को छूकर भी तो होता है खतरों का एहसास। धन्यवाद मम्मी। दोस्तों आप भी इस वीडियो की तरह रहस्यमय बैग का खेल अपने दोस्तों या परिवार के साथ खेलें। अपने हाथों से छूकर, आंखों से देखकर, नाक से सूंघकर, कानों से सुनकर और जीभ से चखकर चीजों का अंदाजा लगाएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।